for Computer Day 9. This is the book cover, Introduction to Computer, Book 4, Chapter Number 3, Windows. So, in a previous session, we have seen about the hardware, software, operating system, the different, why Windows operating system is so familiar in user. Then how starting a Windows, we have learned about start button, icon, taskbar, desktop, time and date, then different mouse action, and we have learned about the buttons of the taskbar. Okay, now today we will see page number 15. Come to the page number 15, open page number 15. For example, if you place the mouse pointer over word icon button on the taskbar, you can see two small windows. This means the two word programs windows are open. ये यहाँ पे आपने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे दो विंडोज के बटन खुल जाएंगे, वर्ड के बटन खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो फाइल खुली हुई थी. मैं समझो पांच फाइल खोल के बैठी हूँ, तो मेरे पांच विंडोज खुल जाएंगे. ठीक है, तो मैंने जितने भी विंडोज खोले हैं वो सारे विंडोज इसी पे क्लिक करने से खुल जाएंगे. टू एनलार्ज द विंडो जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द स्मॉल विंडो. अभी आपको ये वाला खोलना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये वाला खोलना है तो इसको क्लिक कर दो, तो दो जो भी चाहिए आपको वो बड़ा हो जाएगा. स्टार्ट मेनू ऑन द टास्क बार क्लिक, इस टाइप का साइन रहेगा, उसे स्टार्ट बटन कहते हैं. यू विल सी द स्टार्ट मेनू. यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आपका स्टार्ट मेनू पॉपअप होके आ गया सामने. देखो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, दिस बॉक्स इज योर स्टार्ट मेनू. मेनू, अ मेनू इज अ लिस्ट ऑफ टूल्स और कमांड दैट यू वर्क इन विंडोज. व्हाट इज मेनू? द कमांड की लिस्ट है. ठीक है, हमको विंडोज प्रोग्राम रन करने के लिए हेल्प होती है. यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम, ओपन डॉक्यूमेंट, गेट हेल्प एंड मच मोर. तो आप स्टार्ट मेनू से क्या क्या कर सकते हो? एक तो प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट है वो उधर से ओपन कर सकते हो थ्रू द ऑप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, पिक्चर ओपन कर सकते हो, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर एंड कंट्रोलर, सो मैनी थिंग्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेनू. ये पूरा डिपेंड करता है आपका सेटअप कैसे किया है. आपने सेटअप यहाँ पे टास्क, ये इस मेनू को हमको सेटअप करना रहता है थ्रू द कंट्रोल पैनल. द आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेनू में चेंज. अभी यहाँ पे जो है इनके वो हमारे कंप्यूटर में अलग हो सकते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर में उसे भी हम चेंज कर सकते हैं थ्रू सेटिंग. सम आइटम्स ऑन द स्टार्ट मेनू हैव स्मॉल राइट फेसिंग एरो. ये देखो आपको कुछ कुछ मैं ऐसे राइट फेसिंग एरो दिखाती हूँ मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो उसका मतलब क्या होता है? राइट फेसिंग एरो है मतलब उसके पास और भी कोई ऑप्शन है जो दिखाना चाहता है, दैट इज सब मेनू. ओके, इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर सच आइटम्स, that item will be highlighted and you will see another menu at the right, this is called sub menu. और आपको right side में दूसरा option दिखने लगेगा, इसे कहते हैं sub menu. For example, on the start button place the mouse pointer over program, you will see a same sub menu. यहाँ पे प्रोग्राम दिया है आपका, ये सारा सब मेनू दिख रहा है, इसमें फोल्डर और प्रोग्राम दो में डिवाइड कर दिया गया है. द ऑल प्रोग्राम सब मेनू डिस्प्लेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड फोल्डर आर ऑन द कंप्यूटर. ये सारे ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर में सब दिखाने लगता है. विंडोज कंटेन मेनी प्रोग्राम्स दैट यू कैन यूज इन योर डे टू डे टास्क, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड, पेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोग्राम्स इन विंडोज. ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको रोज के काम के लिए यूज होता है. अभी देखो आपको ये राइट एरो दिख रहा है, ये इसमें मतलब इनके और भी सब मेनूज कंटेंट है. ऑल प्रोग्राम्स को भी दिख रहा है ना राइट एरो, इसमें भी सब मेनूज अवेलेबल है. लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
thing to remember, when you leave the computer, when your work is over, you must shut down your computer properly. Instead of directly switching off, go through the procedure of shutdowning and close the computer, cover the computer and leave the lab or computer room. Shutting down windows. Click on the start button on the taskbar, you will see start menu. जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका start menu ये दिखेगा और ये साइड आपको एक shutdown option दिखेगा. यहाँ पे हमको क्लिक करना है. On the start menu, click shutdown. यहाँ पे shutdown है, उसको क्लिक कर दिया. In this way, you can shut down your computer. Shut down हो गया मतलब सब information स्क्रीन पे से जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा. हमारा सेशन भी शट डाउन हुआ है. द सेशन इज़ ओवर. थैंक यू चिल्ड्रन.